काम कर रहा हूँ बगैर शर्त क्या होता है? इसका मतलब है कि कुछ हमने शर्त रखा होगा, लेकिन ये सब नहीं पता कि हमने कोई शर्त रखा है। ठीक है, तो चीज़ें अभी तो फिलहाल हम बोछा में चुनाव लड़े, पार्टी की जो ताकत है वो पूरे बिहार को पता चल गया कि हमारे पास 18% वोट बैंक है। और इससे पहले भी हमने जब चुनाव लड़ा 2019 में, हमारे पास तकरीबन 16% के आसपास वोट आया था। तो हमें किसी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अपना एक ताकत है और हम आने वाले समय में जो 18% वोट बैंक है इसको 25% कैसे पहुँचे, उसके लिए हमारे पास 1.5 साल का समय है और 2024 में अपना 25% तक पहुँचेंगे। वो लक्ष्य रख के पूरे बिहार में संगठन को, पार्टी को मजबूत करना है। और फिर चुनाव का जब समय आएगा तो देखा जाएगा कि क्या करना है, किनके साथ साथ में राजनीति करना, वो समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो हम संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। संगठन की मजबूती की बात आप करें, आप दिल्ली में हैं, लालू यादव एम्स में हैं, खबरों के मुताबिक आपने प्रयास किया था लालू यादव से मुलाकात करने के लिए, लेकिन एम्स प्रबंधन के तरफ से मंजूरी नहीं मिली उस मुलाकात की। मैं निजी काम से आया हूं, मैं कहीं पे मिलने वाले की आवश्यकता नहीं है, जब भी समय देखा जाएगा तो फिलहाल तो मैं अपने निजी काम से आया हूं। तो आगे की बात लालू यादव राजद के साथ ही होने की संभावना है? अरे भाई सभी मेरे पार्टी के बारे में बात कीजिए ना, अन्य पार्टी के बारे में अभी क्यों बात करें, उनसे जाके पूछिएगा ना। मैं तो सिंपल सी बात है, अभी चुनाव में 2 साल बचा हुआ है, संगठन पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। हमारे पास 18% वोट है, हम आने वाले समय में चाहेंगे कि 36% वोट हो, हम अपने दम पे सरकार बनाए। तो हमारी ये तरीका है, हम बिहार के आखिर जनता ही वोट देना है, तो हम जनता के बीच में 1.5 साल घूमेंगे, हर जाति वर्ग के बीच में जाएंगे, हर किसी के साथ आएंगे। जो जिस तरीके से मेरे साथ गलत हुआ है वो सारे बिहार के जनता के बीच में रखेंगे बात को, फिर 2024 और 2025 में निर्णय लेंगे जनता। और अब तो हमारे पास जो है, खास करके निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज, सिर्फ मेरा वोट बैंक नहीं है, मेरा एक मजबूत कार्यकर्ता है, उसके 8% वोट बैंक है, उनके वोट डालने का कैपेसिटी 8% है, लेकिन 18% हमारे पास वोट आ रहा। तो हमारे पास मजबूत एक कार्यकर्ता है जो आने वाले समय में मजबूत समाज के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके काम करेंगे। अति पिछड़ा की बात आप भी करते हैं, लालू यादव ने भी उसी को आधार बनाया था, तो आपकी विचारधारा एक है, आपका केंद्र एक बन रहा है, आपने लगातार ही आप ये बोले भी लालू यादव को आप बहुत मानते हैं, देखा जाएगा आपको कि उसी विचारधारा को आप आगे भी फॉलो कीजिएगा साथ में चलकर। सामाजिक न्याय के लिए जो लोग लड़ेंगे वो हमेशा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मदद करने के लिए पीछे से आएंगे, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनको हम मदद करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब भी सामाजिक न्याय को आगे बढ़ावा देने के लिए गरीब की बात करेंगे, जब किसान की बात करेंगे, युवा की बात करेंगे, तो ये सामाजिक न्याय का है कि सब उनको आगे बढ़ाना, तो उसमें वो आगे रहेंगे तो उनको हम मदद करेंगे, हम आगे हैं तो हमको वो मदद करेंगे। तो ये विचारधारा इसी को ये माना जाए कि आप दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, आगे भी करेंगे और अभी भी एक तरफ से कर रहे हैं। तो ये तो हमेशा हमारा प्रयास रहा ना, किसी समय में उनको नहीं मन हुआ मदद करने का तो वो अलग बात है, किसी समय हमारा नहीं मन होगा तो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो सामाजिक न्याय को मजबूती देने वाले लोग हैं ना, तो इसलिए लालू जी हमको पसंद है। बाकी तो राजनीति में हम आए हैं, संगठन है, पार्टी है, सब काम करेंगे, विचारधारा है, चीजें होंगे, वो सब समय आएगा तो डिसीजन होगा, अभी तो फिलहाल हम पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। इस ऑफर को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ से तो ये लालू जी की तरफ से भी ऑफर है ना, अगर भोला यादव कह रहे कि बिना शर्त के मुकेश सैनी आते तो उनका स्वागत है, तो शर्त कुछ है ही नहीं, शर्त है ही नहीं कुछ, मतलब जहाँ तक बात है कि शर्त तो क्या शर्त है, तो ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग अभी काम करने पे लगे हुए हैं और उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे बारे में इतना तो सोच रहे हैं कि साथ आने के लिए, इनको धन्यवाद देता हूँ। और फिलहाल तो मैं अकेले 1.5 साल है समय में पार्टी और संगठन मजबूत करना चाहता हूँ। मुकेश सैनी की तरफ से अभी कोई शर्त नहीं है और उनके तरफ से अगर ये ऑफर आ रहा है तो इसका भी स्वागत है, ये बात साफ हो गई। जब आएगा देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल तो हम अपना तो काम आ तो गया ऑफर खुल के, तो उन्होंने कहा ऑफर जो है ना ऐसे टीवी में हवा में नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, मीडिया में आप लोगों के जरिए नहीं होता है, ये मीडियाबाजी होता है। ठीक है, तो ये समय आएगा, सब चीज होगा, अभी फिलहाल हमको काम करने दीजिए। ठीक है, तो संभावना हम तलाशें, हम आगे देखें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मुकेश सैनी अपना एक प्लेटफॉर्म। आप क्यों तलाश कर रहे हैं संभावना? तो तेजस्वी को तलाश करना है या मुकेश सैनी को तलाश करना है, आपको क्यों तलाश करना है? अभी हम लोगों को अपना संगठन पे काम करने दीजिए, आप संभावना मत तलाश कीजिए, समय आएगा तो आपको सब चीज जानकारी मिल जाएगा। आप उसी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे ना? हाँ, गरीब न्याय की बात करेंगे, जो अति पिछड़ा का आरक्षण बढ़ा देंगे,
बढ़ाएंगे, उनके साथ हम चलेंगे, निषाद को आरक्षण दिलाएंगे, उनके साथ हम चलेंगे, तो ये हमारा विचारधारा है। युवा को जो रोजगार देंगे, सिर्फ कहने वाला नहीं कि 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, देने वाला रोजगार, उनके साथ रहेंगे। 2 लाख 19 लाख युवा को रोजगार देना है तो वो सिर्फ कहने वाला नहीं होना चाहिए, जमीन पर उतरने वाला होना चाहिए। तो ये सब जो होगा उनके साथ हम रहेंगे। तो आपने कहा, आपने पहले भी आप कहे थे, विचारधारा मेरी विचारधारा है, ये आपका बयान है, लालू जी की विचारधारा मेरी विचारधारा। तो मुकेश सैनी और लालू यादव अब अलग नहीं होते, ये भी साफ देखिए, विचारधारा एक है। लालू जी को मैं पसंद करता हूँ क्योंकि उनका विचारधारा है गरीब का कल्याण हो, ये विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, ठीक है। तो मतलब जब उनका विचार और मेरा विचार एक ही है तो फिर इसमें समस्या कहाँ है? विचार एक है, सोच एक है, मकसद एक है, तो समस्या कहाँ है? तो वही हम बोले, कहीं समस्या नहीं है, समय आने दीजिए, सब चीज होगा। अभी हमको संगठन और पार्टी